लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स. इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं. एक हमें दो ऑड नंबर का सम फाइंड करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा एंड दो इवन नंबर का सम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा. तो जब भी हम दो ऑड नंबर को या दो इवन नंबर का सम यानी ऐड करते हैं तो हमें हमेशा इवन नंबर ही मिलता है. जैसे ये पार्ट द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन एंड द सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन. दो नंबर चाहे कोई ऑड हो या इवन, तो सबसे पहले इवन नंबर एंड ऑड नंबर क्या होते हैं ये मैं आपको अपनी इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में जो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने इवन नंबर एंड ऑड नंबर प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर्स इसके बारे में डिस्कस किया था. तो अगर आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को देखेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे. तो हम अगेन एक बार देख लेते हैं कि इवन नंबर क्या होता है. वो नंबर जो टू से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं और जो नंबर टू से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर कहलाते हैं. तो जैसे भी कोई जब जैसे कोई बड़ा नंबर्स लिखा है और हमें देख के पहचाना है कि ये इवन होगा या ऑड, तो टू की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि जो नंबर 0, 2, 6, 8 एंड यहाँ पे 4 होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8 यद किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे ये नंबर होते हैं तो वो नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाता है. जैसे ये लिखा 2, 4, 6, 5, 0. अब ये नंबर इवन है या ऑड ये कैसे जानेंगे, तो जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन होते हैं. देन हम सबसे पहले वंस प्लेस पे देखेंगे, यहाँ पे 0 है, इट्स मीन ये नंबर क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये इवन नंबर होगा. कम टू द क्वेश्चन, द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन. तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं जस्टिफाई करके कि इट इज राइट और रॉन्ग. तो दो ऑड नंबर लेते हैं, जैसे 1 + 3 क्या हमें क्या मिलता है, 1 + 3 = 4 यानी दो ऑड नंबर का जब हमने सम किया तो हमें इवन नंबर मिला. एंड सेकेंड हम देखते हैं कोई दूसरे ऑड नंबर लेते हैं, जब 5 + 7 = 12 तो हम कभी दो नंबर दो ऑड नंबर का जब सम फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर. ऐसे ही अगर दो इवन नंबर हम लेते हैं, जैसे 2 इवन नंबर हमने लिया, 2 + 4 = 6 एंड 4 + 6 = 10. यहाँ पे भी हमने जब दो इवन नंबर्स लिया तब भी हमें क्या मिला, इवन नंबर. यानी कोई अगर दो इवन नंबर हो या ऑड नंबर जब हम उनका सम फाइंड करेंगे तो ऑलवेज वी गेट इवन नंबर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. तो हमें नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स ये हमें बताना है. तो रीड करेंगे हम इसको. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर इज इवन. अगर हम थ्री ऑड नंबर का सम निकालेंगे तो वो इवन आता है. तो हम सबसे पहले इस तरह के कभी भी क्वेश्चन करेंगे तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देख लेंगे कि अगर थ्री ऑड नंबर का हम सम निकालेंगे वो इवन आता है या ऑड. तो चलिए तीन ऑड नंबर लेते हैं, 1 + 3 + 5. अब इनको हम ऐड करते हैं, 3 + 1 = 4, 4 में 5 ऐड करेंगे 9, देन वी गेट 9.
तो इसमें 9 क्या है, 9 तो ऑड नंबर है, और इसमें क्या कहा गया है कि अगर 3 ऑड नंबर का सम करें तो वो इवन आता है, तो ऑड आ गया, इट्स मीन ये क्या है, फॉल्स, ये गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट है द सम ऑफ टू ऑड नंबर, यानी दो ऑड नंबर का सम, तो दो ऑड नंबर हमको यहाँ पे ले लेंगे, जैसे 1 + 3, ये दोनों क्या है, ऑड नंबर। द सम ऑफ टू ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर, दो ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर, एक इवन नंबर ले लेंगे इज इवन। अब देखते हैं कि इवन आता है ऑड, 3 + 2 = 5, 5 में 1 ऐड किया 6, तो इसका मतलब अगर दो ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर का हम सम करेंगे तो हमें क्या मिला, इवन नंबर, इट्स मीन इट इज राइट, तो ये क्या, ट्रू। एंड स्टेटमेंट सी है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, यानी 3 ऑड नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या वो ऑड होगा, ऑड है, तो 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट करके हम यहाँ पे देख लेते हैं, 1 × 3 × 5, तो 1 × 5 = 3 = 15, 15 = 15, यानी अगर 3 ऑड नंबर का हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ऑड नंबर ही मिलेगा, इट्स मीन इट इज ट्रू। इफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल डिवाइडेड बाई 2, यदि कोई एक इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड होता है, कोई भी इवन नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है, द कोशियंट इज ऑलवेज ऑड, तो उसका जो कोशियंट आता है वो हमेशा ऑड होगा, तो इट्स रॉन्ग, क्यों, बिकॉज जैसे हम 4 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 4 × 2 = 4, तो यहाँ पे तो कोशियंट क्या आया, इवन आया, लेकिन ये क्या कह रहा है, इज ऑलवेज ऑड, तो हमेशा ऑड नहीं होता, कभी इवन आता है कभी ऑड। जैसे हम यहाँ पे 10 लेंगे, ये एक इवन नंबर है जो 2 से डिवाइड भी होता है, तो 2 से हम यहाँ पे डिवाइड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 5 = 10 एंड रिमाइंडर यहाँ पे 0। देन जब हमने पहले 4 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कोशियंट क्या आया, 2, एंड जब 10 को डिवाइड किया, ये एक इवन नंबर है, एंड यहाँ पे जब हमने डिवाइड किया 10 को तो क्या आया हमें कोशियंट 5, यानी इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द कोशियंट इज ऑलवेज ऑड और इवन, या तो ऑड होगा या इवन होगा, तो इसमें सिर्फ ऑड लिखा है, इट्स मीन ये फॉल्स होगा। अब स्टेटमेंट ई है ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, तो क्या सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं, तो सभी प्राइम नंबर ऑड नहीं होते हैं, जो 2 भी एक ऑड नंबर है, सिर्फ 2 ऐसा एक नंबर है जो इवन है और प्राइम भी होता है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद वो नंबर एंड दूसरा 1, यानी जो सिर्फ खुद के पहाड़े में ही आते हैं, खुद की ही टेबल में आते हैं, वो नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर, नो, ऑल प्राइम नंबर ऑड नंबर नहीं होते हैं, टू भी एक प्राइम नंबर है जो इवन होता है, इट्स मीन इट इज फॉल्स। प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, तो प्राइम नंबर में कोई फैक्टर नहीं होता है, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, इट्स मीन ये भी क्या है, फॉल्स। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, अगर 2 प्राइम नंबर का हम सम करें तो क्या वो ऑलवेज इवन आएगा। चलिए हम यहाँ पे 2 एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 2 + 5, ये दोनों क्या है, एक प्राइम नंबर, तो अगर हम इनका सम करते हैं तो 5 × 2 = 7, यहाँ पे क्या आ गया, ऑड। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर 2 प्राइम नंबर का हम द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स होगा, कि अगर 2 हमने प्राइम नंबर का सम किया तो क्या आया, ऑड, और यहाँ पे क्या लिखा है, इवन लिखा है, इट्स मीन इट इज फॉल्स। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, यस 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, सिर्फ 2
एक टू ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसके दो फैक्टर होते हैं और वो इवन होता है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट, सभी इवन नंबर जो हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। नहीं, ये क्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि टू जो है वो इवन भी होता है और वो प्राइम है। इट्स मीन इट इज फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, अगर दो हम इवन नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमेशा इवन होगा। होगा या नहीं हम ये क्या करते हैं, एग्जाम्पल से चेक करते हैं। तो टू इंटू फोर, दो हम क्या करेंगे, दो इवन नंबर लेंगे सबसे पहले। तो टू इंटू फोर, फोर टू जा एट, एंड दो। एक और एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सिक्स लिया, यहाँ एट लिया, सिक्स एट जा 48। तो हम क्या, जब भी दो इवन नंबर लेंगे तो हमेशा ऑलवेज वी गेट अ इवन नंबर। इट्स मीन इट इज राइट, देन इट विल बी ट्रू। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर थ्री। द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। 13 एंड 31 जो है प्राइम नंबर्स हैं। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3, और दोनों में सेम डिजिट है। इसमें भी देखिए 1 एंड 3 है और इसमें भी 3 1। इसका बस क्या, 13 है, इसको रिवर्स करके लिख दिया गया है, इसको उल्टा करके लिख दिया गया है। दोनों में सेम नंबर्स यूज हुए हैं। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो हमें 100 तक ऐसे ही प्राइम नंबर्स के पेयर्स फाइंड करने हैं इसमें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स फाइंड करेंगे कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। तो 1 से लेके 9 तक जो नंबर होंगे वो तो सिर्फ 1 डिजिट के नंबर हैं, और हमें ऐसे नंबर जो रिवर्स होते हैं, तो 2 डिजिट के नंबर्स होंगे तभी तो वो रिवर्स होंगे। इट्स मीन हमें 10 से लेके 100 तक हम प्राइम नंबर्स देखेंगे कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 टू 100, 10 से 100 के बीच के प्राइम नंबर। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, देन 20, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, देन 30, 30 के बाद 30 वाली टेबल, 30 वाली लाइन में और कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे। 31 इज अ प्राइम नंबर, 32, 33, 34, 35, 36, 37 इज अ प्राइम नंबर, 38, 39 एंड 40, 41, 42, 43 इज अ प्राइम नंबर, 44, 45, 46, 48, 46, 47 इज अ प्राइम नंबर, 48, 49 एंड 50, 51, 52, 53 इज अ प्राइम नंबर, 54, 55, 56, 57, 58, 59 इज अ प्राइम नंबर एंड 60, देन 61, 62, 63 इज अ प्राइम नंबर, नहीं 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 इज अ प्राइम नंबर, 68, 69 एंड 70, देन 71, 72, 73 जो है वो किसी की टेबल में नहीं आता है। इट्स मीन इट इज अ प्राइम नंबर। 74, 75, 76, 77, 78, 79,
79, देन 80, 81, नाइन के टेबल में आता है, इट्स मीन ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 81, 82, 83 इज अ प्राइम नंबर। 84, 85, 86, 87, 88, 89 is a prime number, and 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99 and 100। तो ये prime number 11 and 13 के बीच में ये prime number है। अब हम देखेंगे कौन से ऐसे prime numbers हैं जो reverse में लिखे हैं। जैसे हमने यहाँ पे 11, अब हमने यहाँ पे क्या हुआ 13 और 31 तो इसमें दिया ही है। अब 17, ये क्या है, 17 इज अ प्राइम नंबर 17। अब इसको रिवर्स करके लिखेंगे 71, तो 17 एंड 71 ये हमें एक पेयर मिल गया। अब 19 और 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर, देन 91 तो इसमें है नहीं। अब 23 का जब रिवर्स करेंगे तो आ जाएगा 32 तो कंपोजिट नंबर है, इट्स मीन ये होगा नहीं। 29 का उल्टा करेंगे 92 तो प्राइम नंबर है नहीं। 31 लिखा हुआ ये पहले से। 37 73 दूसरा हमें प्राइम नंबर्स कौन सा मिल गया, 37 और इसका रिवर्स करेंगे 73। देन 41 का उल्टा करेंगे 14 आ जाएगा, और 14 तो इसमें ये तो एक कंपोजिट नंबर है। 43, 47 का उल्टा करेंगे 74 आएगा, 53 का 35, 59 का 95, 71 का करें उल्टा 61 का करेंगे तो हो जाएगा 16, इट इज़ अ प्राइम नंबर। 76 हो जाएगा, ये प्राइम है, ये कंपोजिट है और ये तो इसमें है नहीं। एंड 79 का जब हम देखेंगे तो यहाँ पे 97। एंड 83 इसके रिवर्स में नंबर्स नहीं है, यहाँ पे प्राइम नंबर होते ही नहीं है। देन पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर, पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो कौन कौन से पेयर बनेंगे, पहला पेयर 17 एंड 71, सेकेंड पेयर क्या है 37 एंड 73, नेक्स्ट पेयर है 79 एंड 97। यानी ये थ्री पेयर्स हैं जो 1 से लेके 100 के बीच में ये थ्री पेयर्स बनेंगे प्राइम नंबर्स के जो रिवर्स में बनते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। 20 से छोटे हमें प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं। देन प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, तो सबसे पहले 20 से छोटे प्राइम नंबर बताने हैं। तो सबसे पहले 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एंड 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 इज अ प्राइम नंबर। 3, 4 कंपोजिट नंबर होता है, 5 प्राइम नंबर, 6 कंपोजिट नंबर, 7 प्राइम नंबर, 8 कंपोजिट नंबर, 9 वो नंबर जो किसी दूसरे के टेबल में आते हो, जैसे 4 2 के टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है। 6 जो है
टू की टेबल में भी आता है, थ्री की टेबल में भी आता है एंड सिक्स की भी टेबल में आता है। तो वो नंबर जो अपने नंबर दूसरे की भी टेबल में आते हैं वो नंबर कंपोजिट कहलाते हैं, यानी वो नंबर्स जिनके दो से अधिक फैक्टर हों वो नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। अब नाइन के बाद टेन कंपोजिट नंबर है, अलेवन, अलेवन जो है सिर्फ अलेवन के ही टेबल में आता है, इट्स मीन इट इज़ अ प्राइम नंबर। देन ट्वेल्व, थर्टीन प्राइम नंबर होगा एंड फोर्टीन कंपोजिट नंबर, फिफ्टीन कंपोजिट नंबर, सिक्सटीन कंपोजिट नंबर है एंड सेवनटीन प्राइम नंबर, एटीन कंपोजिट नंबर, नाइनटीन प्राइम नंबर। तो 20 से छोटे ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हो गए। एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? 1 एंड 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर्स कौन होगा, कौन सा होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 और 10 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, तो विच प्राइम नंबर्स कम्स बिटवीन 1 एंड 10? देन फर्स्ट इज 2, देन 3, 5, 7, ये फोर नंबर्स जो हैं 1 और 10 के बीच में आते हैं जो कि प्राइम नंबर है। तो इनमें से विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर एमंग देम? तो 7 इज द ग्रेटेस्ट नंबर एमंग देम। तो 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो इस क्लास में हमने 5 तक क्वेश्चन किया, एक्सरसाइज 3.2 के 5 तक क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट को इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।